नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से। भगवान भाव का भूखा है, भक्त यदि चाहे तो अपने भाव से भगवान को वश में कर सकता है। सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त को भगवान प्राप्ति अवश्य होती है। नगर के शांति निकेतन गेस्ट हाउस में आयोजित श्री गणेश महोत्सव में प्रवचन करते हुए आचार्य पंडित सतीश शास्त्री ने कहा कि जब आपकी दिशा ठीक होगी तो दशा भी ठीक होगी। इसी तरह जब आपका लक्ष्य सही होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। मानव के कर्म अच्छे होने चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों को लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। इसी क्रम में नगर के खत्रियाना स्थित महिला मंडल में चल रहे श्री गणेश महोत्सव में वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित प्रेम मूर्ति प्रदीप ने कहा कि नींव मजबूत होगी तभी इमारत भी मजबूत होगी। मन पर काबू पा लेने और भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नगर के मोहल्ला चौगड़ा में छोटे कैटर्स के यहाँ पर पंडित कृष्ण कुमार मिश्र ने उपदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति करके ही मनुष्य भव सागर से पार पाना संभव है। नगर के अस्पताल रोड पर अवधेश तूफानी के यहाँ व गुलाम मुस्तफा स्थित फूलमती मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर विराजमान प्रथम पूज्य श्री गणेश का विधिवत पूजन अर्चन हुआ। भाजपा नेता पुनीत गुप्ता, रामजी गुप्ता व बालाराव गुप्ता के द्वारा सभी जगहों पर दर्शन पूजन व प्रसाद का वितरण कराया गया। ज्यों ज्यों समापन की तिथि नजदीक आ रही है, प्रायः सभी पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी महोत्सव पंडालों में आगामी मंगलवार 6 सितंबर को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जमीर खान की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।